हेलो, मेरा नाम है सचिन रावल। आइए आज शुरू करते हैं हाउ टू प्रॉपर यूज ऑफ बुकिंग डॉट कॉम। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि बुकिंग डॉट कॉम है क्या चीज। बुकिंग डॉट कॉम के ऊपर एकोमोडेशन, फ्लाइट, कार, अट्रैक्शन, एयरपोर्ट टैक्सी एंड टूर पैकेजेस, इतनी चीजें बुकिंग डॉट कॉम प्रोवाइड करती है। तो आइए अभी हम चलते हैं बुकिंग डॉट कॉम की वेबसाइट के ऊपर। आपको सिंपल सा टाइप करना है बुकिंग डॉट कॉम गूगल पे और आप सीधे उसके वेबसाइट पे चले जाएंगे। इसका मोबाइल एप्लीकेशन भी है और वेबसाइट भी है, दोनों का इंटरफेस बहुत ही अच्छा है। आप इजी से दोनों जगह से यूज कर सकते हो। तो अभी हम आ गए हैं बुकिंग डॉट कॉम के मेन पेज पर। यहाँ पर आपको तीन मेजर ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहला ऑप्शन है साइन इन। अगर आप न्यू यूजर हो तो साइन इन करना है, अगर आप ओल्ड यूजर हो तो रजिस्टर पर जाना है। अगर आपको अपनी प्रॉपर्टी बुकिंग डॉट कॉम के ऊपर लिस्टेड करनी है तो आप लिस्ट योर प्रॉपर्टी पर जाओगे, अपना अकाउंट क्रिएट करोगे, उसके बाद में आपकी प्रॉपर्टी रिव्यू होगी और प्रॉपर्टी रिव्यू होने के बाद में आपकी प्रॉपर्टी बुकिंग डॉट कॉम के ऊपर शो हो जाएगी। तो मैंने ऑलरेडी मेरा अकाउंट बना के रखा है, तो मैं रजिस्टर पर जाके अपना लॉगिन कर देता हूँ। देखिए, मैं अभी साइन इन हो गया हूँ। अभी मैं आपको पूरा ओवरव्यू पहले समझा देता हूँ कि ये बुकिंग डॉट कॉम का जो मेन पेज ओपन होता है उसमें आपको क्या क्या ध्यान रखना है और कौन कौन से ऑप्शन काम के हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर करेंसी का ऑप्शन दिया है। आपको जिस भी करेंसी में अमाउंट शो चाहिए वो आप इधर से सिलेक्ट कर सकते हो। तो वही अमाउंट में आपको अकोमोडेशन का प्राइस, कार रेंट, एयरपोर्ट का सारा वही अमाउंट में आपको शो हो जाएगा प्राइस। दूसरा यहाँ पर है लैंग्वेज। आपको अपनी लैंग्वेज सिलेक्ट करना है कि आप कौन से लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो और यहाँ से लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में अगर आपको कोई कस्टमर सपोर्ट चाहिए तो आप कस्टमर सपोर्ट के आइकॉन पर भी क्लिक करके कस्टमर सपोर्ट ले सकते हो। आपका अगर आपका कुछ भी इश्यू है, एकोमोडेशन का है, पेमेंट फंसा हुआ है या कोई भी इश्यू है, तो आप कस्टमर सर्विस ऑप्शन में जाके यहाँ पर अपना प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर सकते हो। इसके बाद में यह है नोटिफिकेशन। अगर आपके अकाउंट में कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो यहाँ पर ही आपको मेंशन हो जाएगा। ये हो गया सारे ऑप्शन जो बुकिंग डॉट कॉम प्रोवाइड करती है। स्टे, एकोमोडेशन, फ्लाइट हो गया, फ्लाइट प्लस होटल हो गया, कार रेंट हो गया, अट्रैक्शन हो गया और एयरपोर्ट टैक्सी हो गया। अट्रैक्शन के अंदर बुकिंग डॉट कॉम टूर पैकेज भी प्रोवाइड करती है जिसके अंदर सारा सब कुछ इंक्लूड होता है, होटल बुकिंग, फ्लाइट, कार रेंट, इंक्लूडिंग सारा सब कुछ टूर पैकेज के अंदर इंक्लूड होता है। अभी देखिए, ये जो ब्रैकेट है ना, उसके अंदर आपको जिस भी लोकेशन पर अकोमोडेशन फाइंड करना है उसका नाम लिखना है, आपको कब से कब तक का अकोमोडेशन चाहिए वो डेट सिलेक्ट करना है, आप कितने लोग हो, एडल्ट कितने हो, चाइल्ड कितने हो, कितना रूम चाहिए वो भी आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। अगर आप वर्क के लिए जा रहे हो और आपको पूरा होम एंड अपार्टमेंट चाहिए तो यहाँ पर भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद में देखिए, नीचे पूरा दिया गया है कि आपने रिसेंटली क्या क्या सर्च किया है, तो ये भी आ जाएगा। इधर ऑफर सेक्शन दिया गया है। अभी रेफ्यूजी के लिए भी ऑफर चल रहा है यूक्रेन के, और ड्रीम ट्रिप के लिए भी ऑफर दिया गया है, प्राइम का भी ऑफर दिया गया है। ये ऑप्शन आपको शो कर रहा है कि बुकिंग डॉट कॉम की प्रॉपर्टी कौन से लोकेशन में कितनी कितनी प्रॉपर्टी लिस्टेड है। एक्सप्लोर जर्मनी, इसके अंदर आप जाओगे तो बुकिंग डॉट कॉम की प्रॉपर्टी मुनिच में, बर्लिन में, हमबुर्ग में कितने लिस्टेड है वो बताएगी, उसका ऑफर भी आपको बताएगी। अगर आपको प्रॉपर्टी का टाइप्स देखना है, जैसे विला हो गया, रिसोर्ट हो गया, अपार्टमेंट हो गया, होटल हो गया, तो ये ऑप्शन से भी आप क्लिक करके देख सकते हो। ये जो है लेवल वो मैं आपको बाद में समझाता हूँ, क्योंकि ये अपने प्रोफाइल सेक्शन में आता है, तो मैं आपको ये बाद में समझाता हूँ। अभी देखिए, इसमें है ना बहुत सारे एकोमोडेशन का व्यू पॉइंट दिया हुआ है, तो अगर आप चाहते हो तो यहाँ से भी देख सकते हो। अदरवाइज जो मेन ऑप्शन है वहां से हम फाइंड आउट करेंगे। फिर अपने को अदर ट्रैवलर से भी आपको कनेक्ट करना है, तो आप यहाँ से ट्रैवल कम्युनिटी भी सिलेक्ट करके आप कोई फ्रेंड सर्कल भी बना सकते हो, और आप जब भी घूमने जाने वाले हो तब वो भी फ्रेंड अगर घूमने आने वाला है तो आप दोनों साथ में मिलके
घूम सकते हो। तो ये कम्युनिटी भी अच्छा है, ट्रैवल कम्युनिटी भी booking.com प्रोवाइड करती है, आपको सजेस्ट भी करती है कि नेक्स्ट डेस्टिनेशन, आपको नेक्स्ट ट्रिप कहाँ पर जाना है और क्या उसका इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर आपको आइडिया भी देता है कि किस टाइप का आपको ट्रैवल प्लान करना चाहिए। देखिए अभी जो है ना डेस्टिनेशन वी लव, इसके अंदर आपको बताता है booking.com कि हमारी इतनी डेस्टिनेशन पर इतना अकोमोडेशन, इतना प्रॉपर्टी अवेलेबल है, सिटी का भी नाम है, रीजन का भी नाम है, प्लेस ऑफ इंटरेस्ट भी आप सिलेक्ट करके अपने हिसाब से आपको जहां पर भी फाइंड आउट करना है, आप जहां पर भी आपको जाना है वहां का आप रोड मैप ले सकते हो कि वहां पर booking.com की कितनी प्रॉपर्टी अवेलेबल है, कितना रेट है, ये सब कुछ आप यहाँ से भी देख सकते हो। अभी देखिए लास्ट में जो मेन पेज है यहाँ पर इतना सब कुछ दिया गया है। इसमें मेन चीज क्या है मैं आपको ये बता देता हूँ। देखिए अगर आप booking.com से अगर पैसा कमाना चाहते हो एफिलिएट मार्केटिंग से, तो ये ऑप्शन बिकम एफिलिएट आपके लिए है, तो ये मेन चीज है। अगर आप booking.com के साथ बिजनेस करना चाहते हो तो ये ऑप्शन आपके लिए है। अगर आप booking.com के ऊपर कोई जॉब फाइंड आउट कर रहे हो तो ये भी ऑप्शन करियर वाला आपके लिए है। बाकी जो सारा ऑप्शन है वो सिमिलर है, जो मैंने आपको ऊपर बताया है वही ये ऑप्शन में दिए गए हैं। तो आपको ये तीन चीज मेन इंपॉर्टेंट है वो आपको याद रखनी है। अगर आपको एफिलेट से प्रॉफिट अर्न करना है तो बिकम अ प्रो एफिलेट पर क्लिक करके आप booking.com की एफिलेट मार्केटिंग से भी पैसा कमा सकते हो। अगर कोई बिजनेस करना है तो बिजनेस ऑप्शन से भी आप उनके साथ जुड़ सकते हो। अगर आपको जॉब या करियर में इंटरेस्टेड है booking.com के ऊपर, तो आप यहाँ से भी उनके करियर पेज में जाके जो भी अभी करेंटली अवेलेबल है वैकेंसी, उसके हिसाब से आप अपना CV और अपनी प्रोफाइल सेट करके उनके साथ कांटेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पर दिया गया है कि booking.com के साथ कितने लोगों का टाई अप पार्टनरशिप है, तो यहाँ पर भी आपको उनका नाम दिया गया है। चलिए अभी मैं आपको बताता हूँ कि booking.com पे होटल कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा है हमबुर्ग, क्योंकि मुझे हमबुर्ग में होटल फाइंड आउट करना है। अभी मुझे कौन से डेट के लिए जाना है, तो मैं अभी सिलेक्ट कर रहा हूँ 25 से लेके मुझे 26 तक एक दिन के लिए होटल चाहिए। मैं अकेला ही बंदा हूँ तो एडल्ट पे सिलेक्ट कर दिया और एक रूम सिलेक्ट कर दिया। देखिए ये पूरा है ना रोड मैप आपको शो हो गया booking.com का। देखिए अगर आप शो मैप पे जाओगे, अगर आप शो मैप पे जाओगे तो आपको मैप पे दिखाई दे देगा, जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हो वो आपको मैप में दिखाई दे जाएगा। तो इन शॉर्ट ये वाला जो ऑप्शन है ना वो आपको सिलेक्ट नहीं करना है। अदरवाइज क्या कि आपको जो ये पूरा विंडो दिखाई दे रहा है ना वो एक रोड मैप के हिसाब से आपको दिखाई देगा, तो इक्वल नहीं बनेगा। तो आपको रोड मैप वाला ऑप्शन सिलेक्ट नहीं करना है। अभी देखिए ये जो आपने अकोमोडेशन फाइंड आउट किया है उसका मैं और भी आपको बता देता हूँ। देखो आपने हमबुर्ग सिलेक्ट किया था, यहाँ पर डेट सिलेक्ट किया था, आप कितने मेंबर हो ये भी आपने सिलेक्ट किया था। वही ऑप्शन वापस आ रहा है फिर से कि आपको अपार्टमेंट चाहिए, होम चाहिए, आप वर्क के लिए आ रहे हो, तो ये आपको सिलेक्ट नहीं करना है। आपको एकोमोडेशन ऐसा सिलेक्ट करना है कि आपके बजट में सेट हो और आपको जो भी इनसे रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आपका एकोमोडेशन आपको मिल पाए। फिर फिल्टर ऑप्शन में आपको समझा देता हूँ, ये मैप वाला ऑप्शन है कि आपका जो प्रॉपर्टी है booking.com का आपको मैप के हिसाब से भी बताएगी कि यह यहाँ पर इतनी प्रॉपर्टी लिस्टेड है। आप यहाँ पर आपका बजट भी सिलेक्ट कर सकते हो। पॉपुलर फिल्टर में आपको किस टाइप का अकोमोडेशन चाहिए वो भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। हेल्थ एंड सेफ्टी है इधर है, सस्टेनेबिलिटी है, स्टार और रेटिंग का भी इधर ऑप्शन दिया गया है। हमबुक ये डिस्टेंस का है, तो आप डिस्टेंस समझ लीजिए कि आपने जो भी सिलेक्ट किया है लोकेशन वहां से होटल कितना दूर होना चाहिए, तो ये डिस्टेंस का ऑप्शन दिया गया है। ये फन साथ में दिया गया है कि कितनी फैसिलिटी आपको अवेलेबल है। डील्स का भी ऑप्शन दिया है। कैंसलेशन पॉलिसी, ये बात हमेशा आप ध्यान में रखिए कि आप जब वीजा के लिए जाते हो या फिर आपको फ्री कैंसलेशन वाला बुकिंग चाहिए, तो इसमें आपको फ्री कैंसलेशन वाला बुकिंग पर टिक मार्क करना है। तो जो भी होटल अवेलेबल होगी फ्री कैंसलेशन विदाउट पेमेंट वाली, ये यहाँ पर आपको शो हो जाएगी। ये वाला जो सेकंड ऑप्शन है बुक विदाउट क्रेडिट कार्ड, तो ये हमेशा याद रखे booking.com पे आप जब भी कोई होटल बुकिंग करते हो तो आपको क्रेडिट कार्ड डिटेल डालना मैंडेटरी है। तो अगर आपको ये नहीं डालना है तो आप ये ऑप्शन पे भी सिलेक्ट कर सकते हो। मेल का भी ऑप्शन है,
प्लेसेस का भी है कि आपको एंटायर प्लेस चाहिए, पूरा घर चाहिए, अपार्टमेंट चाहिए, तो उसका भी ऑप्शन दिया गया। इधर प्रॉपर्टी टाइप भी दिया गया कि आपको किस टाइप का प्रॉपर्टी चाहिए, होटल चाहिए, अपार्टमेंट चाहिए, हॉस्टल चाहिए, गेस्ट हाउस चाहिए, बेड ब्रेकफास्ट चाहिए। तो इन शॉर्ट आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इधर से ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। लैंडमार्क भी दिया गया है, बेड प्रेफरेंस भी दिया गया है, रिव्यू का स्कोर भी दिया गया, फैसिलिटी भी दिया गया है। इन शॉर्ट ये सारा ऑप्शन आपको यहाँ पर फिल्टर मेनू में दिया गया है, जिस हिसाब से आप अपने हिसाब से आप चूज कर सकते हो। पर देखिए इसमें मेन क्या चीज होती है कि booking.com पे लोग क्यों जाते हैं, तो सबसे पहला कि अच्छा अकोमोडेशन आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको मिल जाए और आपके बजट में है। तो देखिए सबके लिए एक ही प्रेफरेबल ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूँ। अब जितने भी मेंबर उस हिसाब से देखो, आपको लो प्राइस्ड है ना फर्स्ट, यही ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। ये ऑप्शन सबके लिए बेस्ट ऑप्शन है, तो आपको ये ऑप्शन सिलेक्ट करना है। देखिए आप ये ऑप्शन सिलेक्ट कर दो, उसके बाद में देखो हम्बुल के अंदर सबसे लोएस्ट में लोएस्ट अभी चल रहा है 26, उसके फिर ऊपर बढ़ता जाएगा, 28 है, 29 है, 30 है। तो इस हिसाब से ये ऑप्शन हो जाएगा आप जब भी सिलेक्ट करे हुए तब। देखिए अभी ये जो है ना ऑप्शन आपने जो लोएस्ट प्राइस वाला सिलेक्ट कर दिया, इसमें आपको बता रहा है कि फ्री कैंसिलेशन, ये फ्री कैंसलेशन है, लेकिन इसमें इसने मेंशन नहीं किया है कि आपको पेमेंट अभी देना है कि बाद में देना है। बराबर, इसने देखो इसमें अभी ये जो ऑप्शन है इसमें ये अकोमोडेशन में कुछ भी ऑफर नहीं किया है कि आपको पेमेंट कब देना है, कैसे बुक करना है, इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं दिया है। और आपको मैं ये बताता हूँ, देखो ये जो है अकोमोडेशन, ये जो प्रॉपर्टी है, इसने लिखा है फ्री कैंसलेशन, नो प्रीपेड नीड। इसका मतलब ये हुआ कि आप कैंसिल भी कर सकते हो बिफोर योर अराइवल डेट, और आपको पेमेंट भी देने की जरूरत नहीं है। आप जब भी जाओगे प्रॉपर्टी विजिट करने के लिए, स्टे करने के लिए, तब आपको पेमेंट देना है। तो ज्यादातर जब वीजा का ऑप्शन होता है या फिर आप बुकिंग करते हो, आपको अगर कोई भी इश्यू है तो आप यही समझते हो कि मैं जाके वहां पर पेमेंट करूंगा, तो आपके लिए यही ऑप्शन बेस्ट है। अगर आपको सस्ते में पड़ रहा है कोई होटल और आपका फाइनल है कि नहीं हमें जाना ही है, तो आप प्रीपेड वाला भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन आप श्योर नहीं हो, आपने जस्ट एक प्रेफरेंस के लिए बुकिंग किया हुआ है, तो आपको यही ऑप्शन फाइंड आउट करके बुकिंग करना है। अभी इसमें सी अवेलेबिलिटी पे मैं चला जाता हूँ, आपको ये भी बता देता हूँ। देखिए ये जो मेन्यू दिया है, फोटो दिया है, देखो ये जो दिया है मैक्स, इसका ये पूरा एड्रेस है, होटल का पूरा एड्रेस है। इसको आप मैप पर भी जाके लोकेशन भी सेट कर सकते हो। यहाँ पर पूरा इसका नाम दिया गया है, होटल का नाम क्या है ये दिया गया है, ये सारे होटल के पिक्चर दिए गए कि होटल किस टाइप का दिखेगा, अंदर क्या क्या फैसिलिटी है, ये सब उसका पूरा एकोमोडेशन प्रॉपर्टी का फोटो दिया है। तो आप ये भी देख सकते हो, इधर रिव्यू भी आप देख सकते हो कि किस किस ने रिव्यू दिया है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आप जब भी होटल बुकिंग डॉट कॉम के ऊपर जब भी कोई लो रेट में आप सिलेक्ट कर रहे हो, तो आपको रिव्यू कंपलसरी देखना है। अगर इसका रिव्यू लोअर है, बहुत ही कम है, और मिनिमम 5 से कम है, तो आपको वो होटल पे नहीं जाना है। क्योंकि आप वो अगर होटल पे जाओगे तो आपको क्लीननेस नहीं मिलेगी, फैसिलिटी अच्छी नहीं मिलेगी, और आपका जो जर्नी होगा उसका भी वेस्टेज करना पड़ेगा, और आपको एकोमोडेशन इतना प्रॉपर नहीं मिल पाएगा। तो आपको हमेशा याद रखना है कि मिनिमम 5 होना चाहिए, और 5 के ऊपर का ही आपको रिव्यू वाला जो होटल है वो बुक करना है, जब भी आप लोअर में बुकिंग करते हो तब। ये इतना समझ गया, देखो इसमें फैसिलिटी दिया गया कि नो स्मोकिंग रूम है, फ्री वाईफाई है, फैमिली रूम है, टेरिस और बार है। देखिए ये सब आपने अभी सिलेक्ट किया है, तो इसमें जो हमने लोअर सिलेक्ट किया था उसमें क्या लिखा है कि 10 बेड वाला एक रूम होगा, जिसके अंदर बल्क बेड भी होगा और सिंगल बेड भी होगा, तो इस हिसाब से आपको अकोमोडेशन मिलेगा। इसमें लिखा है आपको एक बंक बेड मिलेगा, यानी जो ऊपर ऊपर बेड रहता है उसमें से आप कोई भी एक बेड ले सकते हो। इसमें शावर भी है, टॉयलेट, टावर, लाइन, स्टॉक नियर द बेड, ये सब कुछ फैसिलिटी आपको यहाँ पर अवेलेबल है। ये मिक्स है, मिक्स यानी इसमें फीमेल भी रह सकते हैं और मेल भी रह सकते हैं। फ्री कैंसलेशन है 1 दिन तक पहले का, प्रीपेड नो रिक्वायरमेंट, आप जब भी स्टे करोगे तब आपको पैसा देना है, लेकिन इसमें आपको क्रेडिट कार्ड डिटेल डालना कंपलसरी है। तो आप याद रखिए मैंने अभी जैसे आपको प्रीवियस बताया था, वो आप ऑप्शन पर टिक करोगे
विदाउट क्रेडिट कार्ड डिटेल, तब आपको क्रेडिट कार्ड डिटेल नहीं डालना, ऐसे आपको प्रॉपर्टी शो होगी। बट मोस्ट ऑफ केस में आपको क्रेडिट कार्ड डिटेल आपका डालना है, चाहे आप नो प्रीपेड अकोमोडेशन सिलेक्ट करो या प्रीपेड अकोमोडेशन सिलेक्ट करो, लेकिन आपको कंपलसरी क्रेडिट कार्ड डिटेल डालना है। और ये सेफ एंड सिक्योर है, आप उसका बिल्कुल भी इश्यू नहीं है कि आपके साथ कोई फ्रॉड हो जाएगा, कुछ भी होगा, बहुत सेफ एंड सिक्योर है। तो ये हो गया, आपको समझ में आ गया कि फ्री कैंसलेशन है, अभी आपको पेमेंट नहीं देना है, जब भी आप स्टे करोगे तब आपको पेमेंट देना है। यहाँ से आप बेड भी सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको कितना बेड चाहिए। आई विल रिज्यू पे आपने क्लिक कर दिया तो आपका ये होटल आपके लिए इतने तारीख पर सिलेक्ट हो गया। देखिए यहाँ पर सब कुछ इसने बताया कि आपको 25 से 26 में, 25 में आप दोपहर के 3 बजे से 8 बजे तक चेकिंग कर सकते हो, और आपका चेकआउट का टाइम होगा 26 को सुबह 9 से 11, 11 के बिटवीन आपका चेकआउट टाइम होगा। एक नाइट के लिए है, 10 बेड वाला एक रूम होगा, उसके अंदर आपको एक बेड मिलेगा। ये टोटल उसका प्राइस हो गया है। आपको अभी कुछ भी पे नहीं करना है, और आप कैंसिल करोगे तब भी आपको इतना अमाउंट रिफंड मिलेगा ए टाइम के पहले। अभी इसके अंदर आपको है ना अपना डिटेल डाल देना है, आप अगर वर्क के लिए जा रहे हो तो इस पे यस या नो पे टिक करना है, आपका नाम, ईमेल एड्रेस, अगर आप मेन गेस्ट हो, अगर किसी और के लिए बुक कर रहे हो तो आप उस पर टिक मार कर दीजिए, मैं मेन गेस्ट हूँ तो मेरे लिए ये ऑप्शन सही रहेगा। देखिए ये सब आपका पूरा डिटेल आपको करना है। अगर आपको टैक्सी चाहिए होटल पर पहुंचने के लिए तो आप टैक्सी शटल भी यहां से बुक कर सकते हो, रेंटिंग कार के लिए भी इंटरेस्टेड हो तो आप जैसे भी इस पे क्लिक करोगे तो आफ्टर योर बुकिंग आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी booking.com के हिसाब से कि आपका ये नियरेस्ट लोकेशन पॉइंट ये है, यहाँ से आप कार लेके आप आ सकते हो। अगर आपका कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट है तो आप डाल सकते हो, अगर कोई व्हील चेयर चाहिए या कुछ भी आपको चाहिए तो आप यहाँ पर अपना मेंशन कर सकते हो। आपका अराइवल टाइम बताना है कि आप कब तक आओगे होटल में, और चेक इन कब होगा वो आपको टाइम इधर से शो करना है। इसके बाद में देखो आपको अगर कंडीशन जानना है कि ये बुकिंग की कंडीशन क्या है, पेमेंट का कंडीशन क्या है, कैंसलेशन पॉलिसी क्या है, टैक्सेस क्या है, एक्स्ट्रा चार्जेस क्या है, तो आप यहाँ पर जाके टिक मार्क कर सकते हो। अगर आपको प्राइस मैच करना है किसी और लोग अकोमोडेशन के साथ में तो यहाँ से भी आप मैच कर सकते हो। फिर बाद में आपको फाइनल डिटेल पे चले जाना है। फाइनल डिटेल पे चले जाने के बाद आपको ये आपको पूछेगा आप कौन सी कंट्री से आ रहे हो, आपका मोबाइल नंबर क्या है, आपको पेपरलेस कंफर्मेशन चाहिए जिसका एक आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा, तो आपको ज्यादातर यही करना है। यही करने के बाद आपको पीडीएफ मिल जाएगी और पीडीएफ की प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो। अगर आपके पास कोई प्रोमो कोड होता है, वाउचर होता है, तो आपको यहाँ पर डाल के वो आपका डिस्काउंट आप रिडीम कर सकते हो। देखो इसमें तीन ऑप्शन दिया गया है, पे एट प्रॉपर्टी, लेकिन इसमें भी आपको गारंटी के लिए आपको क्रेडिट कार्ड का डिटेल या जो भी एटीएम कार्ड का डिटेल है, डेबिट कार्ड का डिटेल है, वो आपको डालना है। पे बाय 19 अगस्त, इसका भी ऑप्शन आपको दिया गया है। पे नाउ का भी ऑप्शन आपको दिया गया है। और इसमें आप मेन एक चीज याद रखें कि आप जब भी कैंसिल करते हो बिफोर अराइविंग 1 डे, तो आपको फुल्ली पेमेंट, आपको ये जो यहाँ पर जो मेंशन किया गया है वो आपको पूरा अमाउंट रिफंड मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर लिखा है 30 यूरो, तो आपको 30 यूरो का बुकिंग था, अगर आप कैंसिल करते हो तो 30 यूरो आपको रिफंड मिल जाएगा। तो मोस्ट ऑफ केस में क्या होता है कि जब वीजा अप्लाई करते हो, कोई आपको एकोमोडेशन पर शो करना है कहाँ पर, तो ज्यादातर तो लोग क्या करते हैं कि फ्री कैंसलेशन और नो प्रीपेड नीड पे फर्स्ट वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर दे, जिससे आपको पेमेंट अभी नहीं देना पड़ता है, आपकी बुकिंग हो जाती है, और जब भी आपका वीजा आ जाता है या फिर आपका काम पूरा हो जाता है तो आप booking.com पे जाके अपना जो बुकिंग है वो कैंसिल कर सकते हो, जिससे आपका भी काम निकल जाता है और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में booking.com का पीडीएफ भी मिल जाता है, कंफर्मेशन भी मिल जाता है। और यहाँ पर देखो कितने पेमेंट मेथड अवेलेबल है। अब सबसे पहले डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड है, सारा सब कोई चलता है, लेकिन याद रखें कि इंटरनेशनल वाला ज्यादा प्रिफरेंस है, जैसा मास्टर वीजा कार्ड हो गया और ट्रांसफर वाइज हो गया, रिवर्ल्ट हो गया, ये सब ज्यादा कार्ड एक्सेप्टेड है। लेकिन आपका जैसा डोमेस्टिक होता है इंडिया में रुपए कार्ड, तो ये कहीं कहीं जगह पे नहीं चलता है। इसके बाद में ये भी ऑप्शन अवेलेबल है, पेपल का भी ऑप्शन अवेलेबल है, गूगल पे भी है। गूगल पे इंडिया वाला नहीं चलता, गूगल पे कंट्री वाइज चलता है, हर कंट्री का अलग अलग गूगल पे है।
तो आप ये भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। इसमें आपको मैंने ऑलरेडी क्रेडिट कार्ड डिटेल डाला हुआ है, मैंने ऑलरेडी क्रेडिट कार्ड डिटेल डाला हुआ है, तो ऑलरेडी मैंने सीवीवी भी डाल दिया है इधर, तो ये मेरा booking.com के ऊपर मेरा एक पीडीएफ जनरेट हो जाएगा। ये कंफर्मेशन के लिए जस्ट 1-2 मिनट लेगा, उसके बाद में एक कंफर्मेशन पीडीएफ टर्म में आ जाएगा जो मैं वीजा के लिए भी डाल सकता हूँ। अगर मुझे किसी को प्रूफ देना है कि हाँ भाई मेरे पास अकोमोडेशन है, तो वो भी आप प्रूफ इधर से दे सकते हो। देखो ये हो जाने के बाद में ये जो ऑप्शन मैंने अभी क्लोज किया उसमें आपको सारा बताया था कि आपको एयरपोर्ट टैक्सी है, रेंट अ कार है, बुकिंग फ्लाइट करना है, जो भी मैंने आपको फर्स्ट टाइम बताया था वो सारा ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है। आपको अट्रैक्शन के लिए जाना हो या कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी के लिए भी जाना हो तो यहाँ पर पूरा मेंशन किया गया है। देखिए ये जो ऑप्शन है ना, ये आपका हो गया कंफर्मेशन कोड हो गया, ये पिन हो गया। अब जब भी आप होटल में जाते हो ना, तो आपको ये कंफर्मेशन नंबर देना होता है कि आपकी बुकिंग कंफर्म है, ये शो करने के लिए। अगर आपको कैंसिल करना है तो कैंसिल पे जा सकते हो, आपको गेस्ट का नाम ऐड करना है, आपको प्रॉपर्टी के साथ डिस्कस करना है प्रॉपर्टी ओनर के साथ, तो ये भी कर सकते हो। आपको क्रेडिट कार्ड का डिटेल अपडेट करना है तो वो भी कर सकते हो। आपको डेट चेंज करना है तो ये भी कर सकते हो। रूम चेंज करना है तो ये भी आप कर सकते हो। इतने सारे ऑप्शन अवेलेबल है। तो अभी देखिए, अभी मैं प्रिंट कंफर्मेशन पे क्लिक करूंगा तो ये इंग्लिश वर्जन है और जर्मन वर्जन, आप याद रखें, आप जिस भी कंट्री में होते हैं उस टाइप का ये वर्जन ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाता है। फर्स्ट इंग्लिश रहता है, उसके बाद में जैसे मैं इटली में होगा तो इटालियन लैंग्वेज होगा, इंडिया में होगा तो हिंदी भी हो जाएगा। तो इन शॉर्ट जो भी ये होता है तो ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो जाता है। देखिए ये एक पीडीएफ प्रिंट हो गया है जिसमें कंफर्मेशन भी हो गया है। अभी देखिए ये चीज में मैं आपको ये मेन बात बता देता हूँ। देखिए मैंने सेव कर लिया है, तो बाद में भी मुझे अगर रिक्वायरमेंट होगी तो मैं यहाँ पर जाके उसका प्रिंट आउट भी निकाल सकता हूँ और किसी को मेल सेंड करना है तो वो भी मैं कर सकता हूँ, इसलिए मैंने मेरे कंप्यूटर में भी सेव कर लिया है। अभी देखिए आपको एक दूसरी मेन चीज बताता हूँ। आपको ये लिखा है द फाइनल प्राइस शो इन द अमाउंट यू विल पे टू द प्रॉपर्टी। इसमें जब आप वीजा के लिए जाते हो या कोई ऐसी जगह पे जाते हो जिसमें आपको ये बताता है कि आपको एडवांस पेमेंट वाली होटल बुकिंग करनी है, यानी आपने ऑलरेडी पेमेंट उसको दे दिया हो प्रॉपर्टी वाले को, इस टाइप का आपको बुकिंग करना है, उस केस में आपका ये बुकिंग नहीं वैलिड होगा। वो केस में आपको ऑलरेडी जो पेमेंट आपने किया होगा फर्स्ट टाइम, यानी जिस टाइम भी आपने बुकिंग किया होगा उस टाइम आपको प्रीपेड मेथड पे सिलेक्ट करके बुकिंग करना होगा, वही बुकिंग कंफर्मेशन आपके लिए वैलिड होगी। तो जब वो वाले आप बुकिंग करते हो ना, तो ये वाला ऑप्शन आपको सिलेक्ट नहीं दिया होगा, इधर नहीं शो किया होगा, और आपको ये हो गया कि ऑलरेडी यू ऑलरेडी पे द अमाउंट टू द प्रॉपर्टी ओनर। तो आप क्लियर सा फंडा समझ गए कि आपको जब एडवांस पेमेंट वाली ऑप्शन और प्रीपेड वाली होटल अगर रिक्वायरमेंट है तो आपको पहले से पेमेंट करना है। अगर आपको वो वाली अपॉइंटमेंट रिक्वायरमेंट नहीं रहती है अकोमोडेशन की, तो आपको ई वाली करनी है, तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको पेमेंट वाली एडवांस बुकिंग वाली कोई जगह पे रिक्वायरमेंट है, जैसे दुबई के 5 साल के, यूएई के 5 साल के वीजा के अंदर आपको एडवांस एकोमोडेशन जो आपने पे किया हो उस हिसाब से रिक्वायरमेंट होती है, तो आप वो ऑप्शन पे जाके सिलेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज आपको यही ऑप्शन ज्यादातर सबके लिए रिलायबल होता है। तो ये आप समझ गए कि booking.com के ऊपर एकोमोडेशन कैसे बुक होता है और टोटल उसका क्या प्रोसेस है, कैसे प्रिंट आउट निकालते हैं, कैसे उसको सेव एज करते हैं जिससे आप किसी को मेल कर सकते हो उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हो। इसके बाद में देखिए ये जो ऑप्शन है ना, अभी ये ऑप्शन लास्ट वाला मैं आपको समझा देता हूँ। देखो मैनेज अकाउंट में आप जाओगे, इसमें आपको आपके खुद के पर्सनल डिटेल डालनी है, आपको प्रेफरेंस डालना है कि एवरी टाइम आपको कौन सी लैंग्वेज में शो होना चाहिए, करेंसी क्या है, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको प्रेफरेंस इधर पे सिलेक्ट करना है। सिक्योरिटी ऑप्शन भी आपको इधर से सिलेक्ट करना है कि आपको 2 टाइम वेरिफिकेशन चाहिए जब भी आप लॉग इन करोगे, तब
तब 2 टाइम वेरिफिकेशन, मोबाइल पे ओटीपी आएगा, ईमेल पे ओटीपी आएगा, तब ये भी आप सिक्योरिटी ऑप्शन भी यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। पेमेंट डिटेल का ऑप्शन भी यहाँ पर दिया गया है, ईमेल नोटिफिकेशन भी है, और अदर ट्रैवलर के साथ आपका ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो तो यह भी आपको ऑप्शन इधर से दिया गया है। अभी सेकंड ऑप्शन है ट्रिप। अगर आपने जितने भी प्रीवियस बुकिंग किया है उसका अगर आपको डिटेल जानना है तो आप यहाँ से जान सकते हो, और आपका जो भी बुकिंग है उसका भी डिटेल आपको चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हो। देखो जैसे मैंने अभी 25 अगस्त का बुकिंग किया है तो यहाँ पर ये डिटेल आ गया, इसके ये 3 डॉट है, यहाँ पर जाके आप अपने डेट चेंज कर सकते हो, प्रॉपर्टी के साथ मैसेज कर सकते हो। अगर आपका कोई भी इश्यू है तो कस्टमर सर्विस के साथ में आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। देखो अगर आपके आपने जो बुकिंग किया उसका डिटेल जानना है तो जस्ट आप उस सिंपल क्लिक कर दीजिए, उसके ऊपर आपका पूरा आपने जो बुकिंग किया है वो फिर से आपका ओपन हो जाएगा। अगर आपको फिर से प्रिंट आउट निकालना है, उसका पीडीएफ निकालना है, तो फिर से निकाल सकते हो, और बाकी एज इट इज सारा ऑप्शन जो मैंने आपको पिछले टाइम बताया था वही सेम आ गया है। अभी देखो ये जीनियस लॉयल्टी प्रोग्राम क्या होता है इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखिए booking.com पे एक्चुअली 3 लेवल होता है। फर्स्ट लेवल ये होता है कि आप जब भी 5 बुकिंग कंप्लीट करते हो अकोमोडेशन का booking.com के ऊपर, तब आपका फर्स्ट लेवल ओपन हो जाता है। देन आफ्टर आप 5 करते हो यानी टोटल 10 करते हो तो सेकंड लेवल ओपन हो जाता है, और आप थर्ड करते हो यानी 15 से भी ऊपर होटल बुकिंग करते हो 1 साल के अंदर, तब आपका तीसरा लेवल ओपन हो जाता है। तो ये लेवल का मतलब क्या होता है आप समझिए, लेवल का मतलब क्या होता है कि आप जब फर्स्ट लेवल पे होते हैं तब आप जो भी अकोमोडेशन बुक करते हैं उसके ऊपर आपको 10% डिस्काउंट मिलता है, सेकंड लेवल पे आपको 50% डिस्काउंट मिलता है, और थर्ड लेवल पे आपको 20% डिस्काउंट मिलता है। उसके साथ में रूम अपग्रेड का भी ऑफर मिलता है, फ्री ब्रेकफास्ट भी मिलता है, प्रायोरिटी कस्टमर सपोर्ट भी मिलता है, और आपको एकदम से जो बोलते हैं ना प्रीमियम सर्विस booking.com के मिलती है अगर आप लेवल 3 कस्टमर हो booking.com के। तो पर ज्यादातर याद रखिए कि लेवल 2 और लेवल 3 में आपको फ्री ब्रेकफास्ट मिल जाएगा अगर अकोमोडेशन और प्रॉपर्टी प्रोवाइड करती है तो, और साथ में रूम अपग्रेड का भी ऑप्शन आपको लेवल 2 में मिल जाएगा। तो ये हो गया लेवल 3 पॉइंट का पूरा हिस्ट्री, आप समझ गए होंगे इधर से। लेकिन आपको याद रखना है कि आपको 12 मंथ के अंदर ही ये तीनों लेवल कंप्लीट करना है, अदरवाइज अगर आपने एक लेवल तक नहीं किया है तो आपको फिर नेक्स्ट ईयर के लिए अप्लाई करना होगा। ये होगा रिवेट एंड वॉलेट ऑप्शन। तो इसके अंदर आपका जो क्रेडिट कार्ड का डिटेल है, जो रिवॉर्ड आया हुआ है आपके पास, तो ये यहाँ पर आपको पूरा शो हो जाएगा। इसके बाद में रिव्यू ऑप्शन है, अगर आपको कोई प्रॉपर्टी का रिव्यू देना है, अगर आपका कोई प्रॉपर्टी का रिव्यू देखना है तो आप रिव्यू ऑप्शन में भी जाके ये सिलेक्ट कर सकते हो। जैसा मैंने ये होटल का रिव्यू दिया है, ये होटल का भी रिव्यू दिया है, तो जो भी मैं होटल पे रुकता हूँ वो ऑप्शन मुझे यहाँ पर शो हो जाता है कि आप ये होटल पर होटल का रिव्यू दो। तो ये हिसाब से आप रिव्यू देख सकते हो और रिव्यू डाल सकते हो। तो ये हो गया रिव्यू वाला ऑप्शन। ये सेवर्ड हो गया, ये सेवर्ड का मतलब क्या होता है कि आपने कोई अकोमोडेशन देखा है और आपको इन फ्यूचर ये अकोमोडेशन का रिक्वायरमेंट होता है, तो आप ये सेव वाले ऑप्शन पर टिक मार करके इसको अपने अकाउंट में शो सेव कर सकते हो, जिससे भी आप नेक्स्ट टाइम जाओ तो सीधा ये सेव वाले ऑप्शन से आप अपना अकोमोडेशन जो आपने प्रिफर किया है वो आप देख सकते हो। और लास्ट वाला ऑप्शन है साइन आउट यानी booking.com से बाहर आ जाना। आई होप कि आपको पूरा डिटेल्स में booking.com का हिस्ट्री और उसका पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा, और हाउ टू प्रॉपर यूज booking.com उसका सारा एकदम से फंडा क्लियर हो गया होगा। अभी भी आपको कोई भी छोटा मोटा डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो, मैंने मेरा कॉन्टेक्ट डिटेल, ईमेल एड्रेस और व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हो। अगर आपका कोई भी इश्यू है, अकोमोडेशन का है, फ्लाइट बुकिंग का है, या वीजा रिलेटेड है, या कोई भी इश्यू है इमिग्रेशन रिलेटेड तो और ट्रैवल्स के रिलेटेड, तो आप मुझे वहां पर जाके पूछ सकते हो, तो मैं आपको अपना बेस्ट आंसर दे दूंगा जिससे आपका जर्नी और आपका जो इंटेंशन है वो आप प्रॉपरली क्लियर
क्लियर फुलफिल कर पाओगे। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और काफी इंफॉर्मेटिव लगा होगा। तो मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अगर मेरे चैनल पे नए हो तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आपके फ्रेंड सर्कल में भी ये वीडियो शेयर कर दीजिए। थैंक यू। जय हिंद।